हेलो रुवेन, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं पाइथन के टॉप 8 एक्सटेंशन के बारे में। तो सबसे पहले वीएस कोड ओपन कर लेंगे, वो एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे पहले टॉप फर्स्ट पे आता है हमारा पाइथन एक्सटेंशन। ये प्रोवाइड करता है पाइथन, जब हम लोग फाइल कोई बनाते हैं पाइथन की डॉट पी वाई नाम से सेव होता है, इसकी रन कराने में हेल्प करता है। यहाँ जाएंगे आप, इस पर क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सेकेंड पे आता है लाइट रन। लाइट रन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग रियल टाइम डिबगिंग के लिए, क्लिक करेंगे और हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे इसको। ये बेसिकली क्या होता है, रियल टाइम डिबगिंग करता है फ्रॉम डेव टू प्रोडक्शन में, ठीक। थर्ड हमारे पास है पाइथन प्रीव्यू। ये बेसिकली अभी ये हटा दिया गया है मेंटेनेंस में, ये नो लॉन्गर मेंटेनेंस है, इसको अभी कोई यूज नहीं हो रहा है इसमें। और ये भी हमारा टॉप 3 है, ये प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली फास्ट डिबगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, साइड बाय साइड हम लोग कोडिंग करते जाते हैं और साइड बाय साइड इसको क्या करते जाते हैं, डिबगिंग करते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पाइथन प्रीव्यू। फोर्थ हमारे पास है बेटर कोडिंग, बेटर सर्वर कमेंट, सॉरी बेटर कमेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बेटर कमेंट का इस्तेमाल करेंगे कि हम लोग कि जो भी हम लोग जो कोड लिखते हैं वो डेवलपर के डेवलपर अच्छे से समझ पाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोडिंग के लिए। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ है हमारे पास पाइथन टेस्ट एक्सप्लोरर, पाइथन टेस्ट एक्सप्लोरर। ये बेसिकली क्या होता है, ये टेस्टिंग के लिए पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है वीएस कोड में। हम लोग कोडिंग करते जाते हैं साइड साइड में, इसको कोड को क्या करते जाते हैं, टेस्ट करते जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंशन का पाइथन टेस्ट एक्सप्लोरर का। अब बात करते हैं सिक्स एक्सटेंशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाइथन, पाइथन इंटेंट। ये इंडेंटेशन को करेक्ट करता है कि बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं कि एक सीक्वेंस में नहीं है, इंडेंटेशन गलत है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने इंडेंटेशन को सुधारने में। ये सिक्स हो गया। और सेवंथ नंबर पे हमारे पास है पाइथन स्निपेट, ये हमको यूज करता है कि टपल्स के लिए, स्ट्रिंग के लिए, बिल्ड इन स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, टपल्स, डिक्शनरी, ये सब के एग्जांपल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एट नंबर पे हमारे पास ब्रैकेट पेयर कलर रिसाइजर, जो हम लोग ब्रैकेट पेयर कलर रिसाइजर इसके इस्तेमाल करते हैं कि ब्रैकेट को हम लोग कभी कभी पता क्या होता है कि हम लोग जब बहुत सारे ब्रैकेट एक साथ लगाते हैं, बहुत सारे लूप लगाते हैं, तो हम लोग क्या होता है कि ब्रैकेट पहचानने कौन किसका ब्रैकेट है, तो ये क्या करता है, हर ब्रैकेट को एक यूनिक कलर प्रोवाइड कर देता है। एक ब्लॉक का एक कलर होगा, दूसरे ब्लॉक का एक कलर होगा, तीसरे ब्लॉक का कोई और कलर होगा, इस तरह ये प्रोवाइड कर देता है। ये हमारा 8 एक्सटेंशन है ब्रैकेट पेयर कलराइजेशन। ये हमारे टॉप 8 एक्सटेंशन हो गए पाइथन के लिए।